हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फिन हब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एल के न्यू पेंशन प्लस प्लान को जिसका की नंबर है 867 फ्रेंड्स हम इस वीडियो में देखेंगे इस प्लान की डिटेल्स एक एग्जांपल के साथ साथ ही में समझेंगे कि, कि किन लोगों को ये प्लान लेना चाहिए और एंड में इस प्लान के कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स एल ने इस प्लान को लॉन्च किया था सेवन सेप्टेम्बर ट्वेंटी को फ्रेंड्स ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड और इंडिविजुअल पेंशन प्लान है फ्रेंड्स क्योंकि ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है तो आप जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट होगा तो यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इसे हम आगे एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे फ्रेंड्स साथ ही में इस प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट तो मिलते ही हैं साथ ही में एल के कुछ गारंटीड बेनिफिट भी मिलते हैं तो यानी कि डूएल बेनिफिट तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं इस प्लान को सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज है ट्वेंटी फाइव और मैक्सिमम एंट्री एज है सेवेंटी फाइव ईयर्स फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें पॉलिसी टर्म की तो यहाँ पर मिनिमम पॉलिसी टर्म आप रख सकते हैं टेन ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म हो सकता है 42 इयर्स का तो अगर हम बात करें मेचोरिटी एज की तो मिनिमम मेचोरिटी एज हो सकती है 35 इयर्स और मैक्सिमम मेचोरिटी एज हो सकती है 85 इयर्स की फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं पहला है सिंगल प्रीमियम जिसमें आप लमसम एक ही बार में पेमेंट करते हैं और दूसरा है रेगुलर प्रीमियम जिसमें कि आप चूज कर सकते हैं ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हैं तो मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए वन लाख का और अगर आप रेगुलर प्रीमियम की बात करें एनुअल में ये मिनिमम अमाउंट है थर्टी थाउजेंड हाफ ईयरली में सिक्सटी थाउजेंड क्वार्टरली में नाइन थाउजेंड और मंथली में थ्री थाउजेंड फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं इस पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से आपको चूज करना होगा पहला फंड है पेंशन बॉन्ड फंड जो कि सबसे कम रिस्की फ़ंड है और यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में होते हैं दूसरा है पेंशन सिक्योर्ड फंड ये लोअर टू मीडियम रिस्क फंड है थर्ड है पेंशन बैलेंस्ड फंड जो कि एक मीडियम रिस्क फंड है और चौथा है पेंशन ग्रोथ फंड जो कि एक हाई रिस्क फंड है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इसमें इक्विटी मार्केट में होती है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फंड्स को चूज़ कर सकते हैं और अगर आप किसी कारणवश इस पॉलिसी में पाँच साल के बाद डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो एक पाँचवा फंड है जहाँ पर आपके सारे पैसे चले जाएंगे। और वो फंड का नाम है पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड फ्रेंड्स यहाँ पर इन फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके अगेंस्ट आपको कुछ यूनिट्स प्रोवाइड करती हैं और नंबर ऑफ़ यूनिट डिपेंड करता है एन यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो कि एक यूनिट की वैल्यू होती है जैसे जैसे फंड में ग्रोथ होती है इस यूनिट की वैल्यू में भी ग्रोथ होती है और जब आपका वेस्टिंग यानी कि मेचोरिटी होता है तो उस टाइम पर जो भी मार्केट एन के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी फ़ंड में जो ग्रोथ है वो तो होगी ही साथ ही में एल आपको कुछ गारंटीड एडिशंस देगा टाइम टू टाइम और ये जो भी अमाउंट होगा गारंटीड एडिशंस का उसके अगेंस्ट भी आपको जो भी एन उस टाइम पे चल रहा होगा उतनी यूनिट्स आपको असाइन कर दी जाएंगी फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस गारंटीड एडिशंस को अगर आप छः साल तक पूरा रेगुलर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्स ईयर के एंड में जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है उसका फाइव परसेंट गारंटीड एडिशन होगा और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो ये परसेंट होगा फोर टेंथ पॉलिसी ईयर के एंड में आपको मिलेगा टेन परसेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम और अगर सिंगल प्रीमियम है तो फाइव परसेंट फ्रेंड्स इलेवेंथ ईयर के बाद आपको कंटिन्यूसली हर साल ये गारंटीड एडिशन मिलेगा मैंने यहाँ पर टेबल में ये डिटेल्स डाल दी है तो यानी कि जितना भी लंबा आपका पॉलिसी टर्म होगा आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिलता रहेगा फ्रेंड्स इस पॉलिसी की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है पर यहाँ पर यह ऑप्शन अवेलेबल है फाइव इयर्स के लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स पार्शियल विड्रॉल के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि ये फंड आप यूज़ कर सकते हैं हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए या फिर मैरिज के लिए या फिर घर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी क्रिटिकल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड्स साथ ही में यहाँ पर पार्सल विड्रॉल की लिमिट्स हैं कुछ जैसे कि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में अगर आपका प्रीमियम लेस देन फिफ्टी थाउजेंड है तो यहाँ पर आप सिर्फ टेन परसेंट ऑफ यूनिट फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से मैंने हर लिमिट वाइज यहाँ पर टेबल लगा दी है आप चाहे तो वीडियो पॉज कर कर देख सकते हैं फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यानी कि बेनिफिट्स को समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट की यहाँ पर अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स डेथ बेनिफिट दो ऑप्शंस को एवेल्यूएट करने के बाद देखा जाएगा इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा पहला है उस टाइम पर जो भी आपके यूनिट फंड्स की वैल्यू होगी वो आपको पूरा दे दिया जाएगा और दूसरा है जो भी आपने अभी तक प्रीमियम दिया है उसका हंड्रेड एंड फाइव परसेंट का अमाउंट ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं जब पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी टर्म पूरा कर लेता है जिसे कि हम वेस्टिंग भी कहते हैं तो यहाँ पर उसको अपना पेंशन अमाउंट मिलेगा और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि जो भी उसकी यूनिट्स है उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पर जो भी होगी फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये जो भी 100% परसेंट ऑफ वैल्यू है आपको तुरंत नहीं मिलेगा और आपके पास दो ऑप्शन होंगे ऑप्शन वन में आप चूज कर सकते हैं कोई भी एल की पेंशन प्लान को या फिर किसी भी और कंपनी के पेंशन प्लान को और वहाँ पर अपना मेचोरिटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको पेंशन उस प्लान के अकॉर्डिंग मिलने लगेगी दूसरा ऑप्शन है कि आप 60 परसेंट विड्रॉ कर सकते हैं और जो बाकी 40 परसेंट है वो एल की कोई भी पेंशन प्लान या फिर किसी भी और कंपनी के पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है अगर आप किसी और कंपनी का पेंशन प्लान लेते हैं तो आपका जो भी मेचोरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है उसका आप फिफ्टी ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी आपको एल की पॉलिसी में ही करना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एल एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन देती है कि आप अपनी वेस्टिंग एज यानी मेचोरिटी एज एक्सटेंड कर सकते हैं और ये आप डिसाइड कर सकते हैं पॉलिसी मेचोरिटी के थ्री मंथ्स पहले तक भी पर हाँ आपको जो बेसिक एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरियाज हैं जैसे कि आपका पॉलिसी टर्म फोर्टी टू ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है या फिर आपकी मैक्सिमम मैचोरिटी एज की जो भी लिमिट्स हैं वो सब आपको फॉलो करनी होंगी फ्रेंड्स अगर आपको पॉलिसी टर्म के दौरान लगता है कि आपने जो भी फंड्स में इन्वेस्ट किया है उसमें से आपको दूसरे फ्रंट्स में स्विच करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ स्विचिंग चार्ज देना होगा और आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पॉलिसी टर्म के दौरान कई चार्जेस देने होंगे एल को जिसमें इंक्लूड होता है फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और साथ ही में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज स्विचिंग चार्ज अगर आप स्विच करते हैं तो डिसकन्टीन्यूंस चार्ज इत्यादि पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है और एक ये नॉमिनल अमाउंट है फ्रेंड्स साथ ही में इस पॉलिसी में सरेंडर का भी ऑप्शन है पर आपको जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे वो फाइव इयर्स का मिनिमम लॉक इन पीरियड के बाद ही मिलेगा फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो कि पॉलिसी के ब्राउशर में भी दिया हुआ है मान लीजिए राम अपने लिए पॉलिसी लेता है और उसकी एज है थर्टी ईयर्स उसने पॉलिसी टर्म रखा है 42 इयर्स उसने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है और वो एनुअली देता है थर्टी थाउजेंड रुपीज साथ ही में उसने ये पॉलिसी ऑफलाइन से ली है फ्रेंड्स क्योंकि किसी भी फंड का एग्जैक्ट ग्रोथ अमाउंट अभी से नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है तो यहाँ पर जो भी मेचोरिटी बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे कम रिटर्न मिलेंगे बॉन्ड फंड में उसके बाद सिक्योर्ड फिर बैलेंस्ड और सबसे रिटर्न मिलेंगे ग्रोथ में पर वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए दो रेंज कैलकुलेट करेंगे अगर 4 पर ग्रोथ होती है उस केस में और दूसरा एग्जाम्पल में एट परसेंट पर एनएम ग्रोथ होती है उस केस में जो भी मेचोरिटी बेनिफिट होगा तो फ्रेंड्स जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं सिक्स ईयर के एंड में उसका जो भी क्यूमुलेटिव प्रीमियम है वो होगा वन लाख एटी थाउजेंड और उसको इस पर फाइव परसेंट यानी कि पंद्रह सौ रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा अगर हम बात करें फोर्टीन परसेंट रिटर्न की तो यहाँ पर उसका टोटल फ़ंड वैल्यू हो जाएगा वन लाख एटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ अगर यहाँ पर उसको एट परसेंट रिटर्न मिलता है तो फंड वैल्यू हो जाएगा सिक्स ईयर के एंड्स में टू लाख एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन साथ ही में यहाँ पर उसका जो डेथ बेनिफिट है वो भी यही अमाउंट होगा फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम टेन इयर्स के एंड में देखें तो उसका क्यूमुलेटिव प्रीमियम उसने अभी तक दे दिया होगा थ्री लाख तो इस पर उसको जो भी गारंटीड एडिशन है वो होगा फोर्टी फाइव हंड्रेड अगर हम फोर परसेंट की फ़ंड की ग्रोथ देखें तो यहाँ पर उसका फंड का वैल्यू होगा थ्री लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टीन और अगर हम एट परसेंट फंड की ग्रोथ देखें तो यहाँ पर उसकी फंड वैल्यू होगी फोर लाख थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फ्रेंड्स मान लीजिए राम अपना पूरा पॉलिसी टर्म 42 इयर्स का सरवाइव कर जाता है तो उसने टोटल प्रीमियम दिया होगा ट्वेल्व लाख सिक्सटी थाउजेंड और उसका क्यूमुलेटिव गारंटीड एडिशन फोर्टी सेकेंड ईयर के एंड में होगा एटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स फोर परसेंट की फंड ग्रोथ माने तो यहाँ फंड वैल्यू होगी ट्वेंटी वन लाख एटी थ्री थाउजेंड सिक्सटी नाइन रुपीज़ पर अगर हम यहाँ पर एट परसेंट की ग्रोथ माने तो ये होगा फिफ्टी नाइन नाइन्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन रुपीज़ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मेजर डिफरेंस आता है वो फंड की ग्रोथ की वैल्यू के ऊपर आता है तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपने लिए राइट फंड्स चूज करें जब भी ये प्लान आप ले रहे हैं तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको ऑप्शन मिलते हैं फंड चूज़ करने के लिए तो ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो लो रिस्क में इन्वेस्ट करें और जो चाहते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न और साथ ही में चाहते हैं एक एल की गारंटी भी तो वो इस पॉलिसी में ग्रोथ ऑप्शन को चूज़ करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं पर फ्रेंड्स यहाँ पर ड्रॉबैक इस पॉलिसी का बस यही है की मेचोरिटी यानी कि वेस्टिंग एज पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको 100 परसेंट जो भी आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो नहीं मिलेगी आपको मैक्सिमम आप 60 परसेंट ले सकते हैं और बाकी 40 परसेंट का आपको उस टाइम के अवेलेबल पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें जाने से पहले हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी